अभी तो लाइक हम लोग सेकेंड्स में भी काउंट कर सकते हैं, और उस सेकेंड को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आज, जैसे कि आज हम लोग सब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत ये जोन ऑफ कंफर्ट हम लोग बोलते हैं, जो पहला वाला यूनिट है क्लास 12th का रिप्रोडक्शन यूनिट है, ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट एक इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों? कि अगर मैंने मेल को टेट्राप्लॉयड बना दिया और फीमेल को 2n ही रखा, तो यूजुअली जब जाते हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेलो स्टूडेंट्स, लाइक जैसे कि नीट बहुत आसपास आ रहा है, बहुत ही पास आ चुका है, अभी तो लाइक हम लोग सेकेंड्स में भी काउंट कर सकते हैं, और उस सेकेंड को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो आज, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज 29th है, अगर आज का दिन हम लोग छोड़ देंगे तो 30, 1, 2, 3 एंड 4, तो 5 ही दिन बचे हुए हैं, तो मतलब एक अलग सा ही कुछ चल रहा है दिमाग में, टेंशन, बीपी बहुत हाई है, होगा बहुत लोगों का, बट बहुत से लोग बहुत रिलैक्स है क्योंकि उनका प्रिपरेशन हो चुका है, दे आर वेरी मच हैप्पी विद देयर थिंग्स एंड इन दैट केस इट्स एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर देम। सो लाइक नॉट टू वरी इन दैट एनी सेक्शन, जस्ट टू फोकस ऑन दैट पार्ट, लाइक हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, और उसी चीज के ऊपर आज आप लोगों का ये 6th यूनिट के ऊपर आएगा जहां से प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसी को दिशे रखते हुए हम लोग आज इस जगह पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आज से हम लोग का हो जाता है 12th वाला सेक्शन, जो हम लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल सेक्शन है, सब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत ये जोन ऑफ कंफर्ट हम लोग बोलते हैं। जो पहला वाला यूनिट है क्लास 12th का रिप्रोडक्शन यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये तीन टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो तीन चैप्टर है, अगर हम लोग बोलेंगे जैसे कि ट्रेट होता है और लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, द मेन सुपीरियर वन इज कैरेक्टर, उसके सबऑर्डिनेट पार्ट्स होते हैं ट्रेट्स, सो सेम लाइक यहाँ पे वही है, ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन के अंडर पाएगा, तो रिप्रोडक्शन इन दैट्स आवर कैरेक्टर ओवर हियर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ दैट विल बी कंसिडर दैट। तो इसी के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों के लिए इस बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट एक इम्पैक्ट रोल प्ले करेगा ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों? इससे स्पेसिफिकली जो हम लोगों के माइक्रोस्पोरांजियम, मेगास्पोरांजियम, ये सब वाले कंटेंट है, जहाँ पे कितने माइटोसिस होते हैं, कितने मियोसिस होते हैं, ये सब टाइप के क्वेश्चंस ना यहाँ पे इस बार बहुत से पूछे जाएंगे। देन एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, हो सकता है कि लाइक कंडीशनली पकड़ लीजिए, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, जो यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, जैसे कि हम लोग बेसिकली जानते हैं एंडोस्पर्म तो 3n होता है, बट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म वही एंडोस्पर्म हो जाते हैं n, और फॉर एंजियोस्पर्म्स वही हो जाते 3n, बट इस चीज़ को 3n और 1sn ना बोल के वो लोग अगर ऐसा बोलेंगे कि मेल वाले सेक्शन को टेट्राप्लॉयड बना देंगे, फीमेल को डिप्लॉयड बना देंगे जैसा है, देन एंडोस्पर्म में प्लॉयड लेवल क्या होगा, मतलब क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, प्लॉयडी कंडीशंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को, जो मैंने बोला है कि अगर मैंने मेल को टेट्राप्लॉयड बना दिया और फीमेल को 2n ही रखा, तो यूजुअली जब जाते हैं तो फीमेल के पोलर न्यूक्लियस 2n, मतलब nn कंडीशन होगा, और मेल का n जाता है, तो मेल का n मतलब 2n का n जाता है, तो अभी 4n का कितना जाएगा, उसका हाफ जाएगा, दैट इज 2n जाएगा, तो जब यहाँ पे 2n जाएगा, ऑलरेडी 2n है, तो मिलकर क्या होगा, 4n बनेगा, तो अल्टीमेटली जो एंडोस्पर्म बनेगा उसका प्लॉयडी होगा 4n। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन पकड़ लो लाइक मोनोकॉट सीड का डायग्राम दे दिया, मोनोकॉट इलेक्ट्रॉन सीड का डायग्राम दे के, जो हम लोग के कंडीशंस में सराउंडिंग में एन्यूलर एलियरॉन लेयर्स है, देन दिस आर द एंडोस्पर्मल कंडीशन डाइकॉट्स, यहाँ पे ऐसे डायग्राम्स एनसीईआरटी में हैं, तो इसके हर एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
जैसे कि हो गया एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, मतलब कौन से स्टेज तक मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों के सेम रहते हैं, कहाँ से जाके डिफर्ड होते हैं, तो वैसे वाले क्वेश्चंस के वेटेज बहुत 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 ज़्यादा है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर उस पार्ट को फोकस करोगे तो वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस निकलेंगे, अच्छे खासे मीन्स अच्छे खासे क्वेश्चंस निकलेंगे उस सर्टेन सेक्शन से, क्योंकि इस चैप्टर से नियर अबाउट मेरे 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार पहले ही बोला था जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो इससे अराउंड 3 क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है। अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे दैट इज़ वेरी मच फेमिलियर तुम लोगों के लिए, तो ये उतना कुछ खास नहीं है चैप्टर, बट यहाँ पे खेल ही होगा हार्मोन का। हार्मोन का खेल मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने के लिए कौन, मेंटेन करने के लिए कौन, फीडबैक मैकेनिज्म कंडीशन यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, मतलब कौन सा इंक्रीज होगा तो कौन सा डिक्रीज होगा, वैसे फीडबैक मैकेनिज्म का यहाँ पे क्या एक्शन होगा, परचुरेशन पीरियड में कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं, वो वेदर लाइक डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं या हाइपोथैलेमस कंट्रोल से सिक्रेट होते हैं, लाइक दैट ऑफ कितने पोलर बॉडी बनेंगे, कितने स्पर्माटोगोनियम से ओगोनियम से कितने पोलर बॉडी बनेंगे, तो एज पर एनसीईआरटी तो हम लोगों को पता है पोलर बॉडी बनना का तो बनना है, तो वहाँ पे एक ही पोलर बॉडी बनता है, एनसीईआरटी में उतना ही लिखा हुआ है, बट कंसेप्चुअली यहाँ पे देखो 3 पोलर बॉडी बनेंगे, ये इंपॉर्टेंटली समझ लो। 3 पोलर बॉडी कैसे बनेंगे कि अगर हम लोग का ओगोनियम हुआ तो ओगोनियम में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2N होगा, ओगोनियम से डेवलप्ड होकर ऊसाइट बनेगा जहाँ पे भी 2N होगा, ऊसाइट के बाद जब ये डिवाइड होगा देन ये यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा एक, दैट यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, थ्रू मियोसिस, मियोसिस 1 जब होगा, मियोसिस 1 के द्वारा यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनेगा और एक सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, ये सेकेंडरी उसे अरेस्ट रहेगा इन केस ऑफ एमपीएफ कंडीशन पे, ये फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा और इसी एमपीएफ में अरेस्ट रहेगा, बाकी जो ये पोलर बॉडी यहाँ पे मियोसिस 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पोलर बॉडी बन जाएंगे, और जो एमपीएफ कंडीशन में वो फीमेल बॉडी के अंदर चला जाएगा मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा, वो वहाँ पे इसी कंडीशन में रहेगा। अगर इन दौरान एक स्पर्म एंट्री करता है तभी जाके सेकेंडरी उसे डिवाइड होगा, यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी बन चुके थे और अंदर और एक बनेगा, तो 3 पोलर बॉडी और एक ओवम, दैट इज उस अकॉर्डिंगली आएगा। तो ऐसे बहुत से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, मतलब उसको अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक चलो यूटरस कंडीशंस में जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको मेंटेन करने में क्या हेल्प करता है, ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनते हैं, लाइक कोरियोनिक विली क्या है, अगर प्लासेंटा बनेगा प्लासेंटा का सबसे आउटर लेयर क्या है, उसमें कौन से फ्लूइड्स कंडीशन रहेंगे, तो दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे इंट्रैक्टिव क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं मतलब बोलना चाहता हूँ इन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट में, इनब्रीडिंग डिवाइस आउटब्रीडिंग डिवाइस, मतलब कौन से चीज़ें या कौन से कंडीशंस लाइक यूजुअली सेल्फ पोलिनेशन में हेल्प करते हैं और कौन से वाले क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, उस प्रोमोटिंग क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो थोड़ा डिस्कस देख लेना। तो अच्छा, जो फिर यहाँ पे हार्मोनल कंडीशंस में यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि लाइक मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें उतना कुछ खास नहीं है, मतलब कहाँ से किसका कैरियर, मतलब स्पर्म का कैरियर वे, मतलब जो पाथवे में स्पर्म मूव होता है उसका नाम, ओवम जैसे मूव होता है उसका नाम, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि लाइक चलो किसी फीमेल का 38 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब उसका ओव्यूलेशन कितना होगा, हमेशा याद रखना कुछ भी कुछ हो जाए जो सिक्रेटरी फेज है वो फिक्स्ड होगा, मतलब वंस ओव्यूलेशन डन नेक्स्ट 14 डेज में बाकी सब कंप्लीट होना पड़ेगा, सो दैट केस सेक्रेटरी फेज कॉन्स्टेंट रहता है, जो भी चेंज होगा दैट इन प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे कोई कोई आके हार्मोनल डिसोसिएशन अगर होगा, हार्मोनल प्रॉपर नहीं होगा तो वो आके अरेस्टेड स्टेज में बैठा जाएगा, मतलब सेकेंडरी ओसाइट टू टर्शियरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल, उस स्टेज में आके वो लोग इस बिटवीन वो लोग आके बैठ जाएंगे, जब तक हार्मोन अप्रोप्रिएट नहीं होगा वो लोग डेवलप नहीं करेंगे, तो ऐसे भी बहुत होते हैं, तो ये सब चीज़ों में थोड़ा फोकस करना होगा। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नियर अबाउट 3 क्वेश्चंस आएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एप्लीकेशन भी ओरिएंटेड है, इसमें 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो लाइक रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ वहाँ पे जीफ्ट गिफ्ट वाला एकदम लास्ट टॉपिक वाला ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है तो सीआरटी जीफ्ट आईवीएफ टेक्निक के अंदर जीफ्ट एंड गिफ्ट वो वाले टॉपिक्स यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन में आएंगे कि लाइक वो वाला यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एम्फसाइज करना, यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, तो दैट वे
यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब बहुत हाई है यहाँ से क्वेश्चन निकलने के। उसके बाद आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन से हैं, दैट इंसर्टेड आईयूडी कौन से हैं, इंजेक्टेबल आईयूडी क्या है, नाम क्या, एग्जांपल क्या है, एलएनजी 420 क्या है, एमटीए को, एमटीपी को अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, एमटीपी को हम लोग नॉन सर्जिकली भी कर सकते, नॉन सर्जिकली बाई व्हाट, नॉन सर्जिकली बाई माइफेप्रिस्टोन यूज़ करके। तो ऐसे क्वेश्चनल कॉन्सेप्ट बहुत हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम लोग और थोड़ा अच्छे से देखेंगे और थोड़ा प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे एमटीपी वाला क्वेश्चन में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यूजुअली हम लोग जानते हैं विद इन फर्स्ट सेमेस्टर एमटीपी कंडीशन करना है, तो विद इन फर्स्ट सेमेस्टर दिस विद इन 12 वीक्स एमटीपी डन, दैट इज़ फाइन। अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, कुछ कंडीशन हो जाए, तो हम लोग उसको 24 वीक्स तक भी डिफर कर सकते हैं, बट हाँ वहाँ पर क्रिटिकल होगा, बट एमटीपी स्टिल इज अलाइव। मतलब एमटीपी अगर कोई क्वेश्चन पूछे 12 वीक्स एंड 24 वीक्स, कंडीशन में ना पूछे तो 12 वीक्स, अगर कुछ कंडीशन देके पूछे तो 24 वीक्स तक भी एमटीपी कैरी हो सकता है। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्रिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं जिसके इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये एक जोन ऑफ कंडीशन है। तो इसी तरह इस चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए नीचे, वहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, सो दैट वे हम लोग लिंक कर पाएंगे एंड वॉट एवर द कंडीशन वी कैन डिस्कस ऑन इट, सो दैट। और बाकी है ही है, तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और बस अपना जो टारगेट है बस उसको सेट करके रखिए, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, और उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए हम लोग हमेशा है आप लोगों के साथ, नीट के आगे भी थे, नीट के टाइम पे भी है, इवन नीट के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग ज़रूर होंगे। तो उसी तरह अस्तित्व नीट का, अस्तित्व जीत का, मिलते हैं अगले वीडियो में विथ यूनिट 7। थैंक यू।